और बात करेंगे गुना की, जहां पर गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक आदिवासी युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के पत्नी का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पति प्रकाश सहरिया की हत्या कर दी गई है। तो वहीं मृतक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया है। मृतक के शव को जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है। मामूली विवाद को लेकर मृतक प्रकाश से आरोपियों ने झगड़ा किया था और मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस भी पूरी तरीके से उन्हीं का साथ दे रही है। पति को सवेर बुला के ले गए फोन लगा के, दिन भर होगा इतने एक बेर गुजर आ लखना केरी के बेतर रोड पे बाजी टोर भी गई बही रहे जिनसे कई मेरे गोड़े पर एक मोड़ी आई कह बे काकीरी काका बांडा रवे के जब फिर मैं गई तो एक बेर बहराती बहराती जब मेरे आसामी को भगवान सिंह ठानना दे रहा तो फिर मैं ला रही ना मोटरसाइकिल और मेरे आसामी को मोटरसाइकिल छुड़का ली मेरे हाथ में से। मेरी तहसील के एक छोटे से गांव रामपुरिया में ये पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है और मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े सरगर्मियाँ दिखाती है कि हम आदिवासी समाज के लिए ये करने वाले हैं, आदिवासी समाज के लिए वो करने वाले हैं। यहाँ ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस गाँव की एक महिला है, उसके पति को यहाँ के कुछ दबंग लोगों ने उनकी दबंगियाई के चलते मौत के घाट उतार के रख दिया है। और मध्य प्रदेश शासन की जो सजग प्रहरी पुलिस है, जिन्होंने लिख के रखा हुआ है देशभक्ति और जनसेवा, वो सारी शासन की योजनाओं को और शासन की जो प्लानिंग है उसको पलीता लगा रहे हैं। और सहरिया समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ उनकी अगर बात की जाए तो वो भगवान भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये शासन को भी ध्यान देना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिले और ये लोग जीवन यापन व्यवस्थित रूप से कर पाएं।